वरना बेकार हो जाएगा। एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन हम लोग क्या किया, एक लो से दूसरा लो को मिला दिए। वापस इसी ट्रेड लाइन को जब हम लोग ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जब ट्रेड लाइन के पास में आया है ना, तो वापस यहाँ से देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार क्या हो गया, मार्केट ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करने का कोशिश किया, मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे आया। काफी लोग इस ट्रेड लाइन के नीचे आते ही एंट्री बना लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन तब होगा जब मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे में कैंडल बना देगा, कोई ऐसा कैंडल जिसका बॉडी या फिर शैडो, बॉडी शैडो जाने ना क्या होता है, बॉडी या शैडो इस ट्रेड लाइन को टच ना करे, तब एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन माना जाता है। ये जो कैंडल है, ये कैंडल इस ट्रेड लाइन को टच करके रखा है ना, इस ट्रेड लाइन के नीचे ये नहीं आया। देखिए मार्केट नीचे आके वापस घूम गया, फंस गए होंगे लोग, जो लोग भी डाउनसाइड का प्लानिंग कर रहे होंगे है ना। ये जो रेड कैंडल है इस लो के नीचे आएगा मार्केट, तब सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा है ना। इसके नीचे आया क्या, तो फिर यहाँ पे तो एंट्री मिला ही नहीं किसी को, अब काफी लोग यहीं पे ले लेते एंट्री, इसलिए कैंडल क्लोजिंग जरूरी। आगे हम लोग और देखते हैं कहीं और कैंडल क्लोजिंग मिलेगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, और आगे ऐसे लेके जा सकते हैं। होगा यहाँ पे बता देंगे, थोड़ा टाइम लीजिए है ना, अभी सिर्फ ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है, कोई भी टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग पहले जानेंगे कि ट्रेड लाइन है क्या। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो वापस मार्केट आया नीचे, कैंडल क्लोजिंग मिल रहा है, और अपने को क्या करना है ना, कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना, और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग होते होते हम लोग ट्रेड नहीं लगाते, हम लोग वेट करते हैं रिटेस्ट होने का। देखिए रिटेस्ट हुआ, जैसे मार्केट इस लो को तोड़ेगा है ना, इस लो को मार्केट जैसे ही तोड़ेगा अपना एंट्री क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यानी कि अभी तक मार्केट इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर के तरफ जा रहा था, लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को तोड़ दिया, ब्रेकडाउन कब आ रहा है, कैंडल क्लोजिंग के बाद, एंट्री फिर भी हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, रिटेस्ट हो गया कंप्लीट, इस लो के नीचे जब मार्केट आया तब हम लोग एंट्री लेते हैं, ऊपर में छोटा सा यहाँ पे या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और कम से कम इस लो तक का हम लोग क्या करेंगे, टारगेट ले लेंगे। देखिए मार्केट गिरा यहाँ से, यहाँ अच्छा खासा मार्केट फॉल दिया, गिर गया, कितना पॉइंट्स गिरा देख लीजिए, अप्रोक्स 178 पॉइंट्स बना पैसा,